हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका कुक विद शालू चौधरी में। और आज आपके लिए दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आएगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जी, आज हम बनाएंगे रसमलाई, और आप देख सकते हैं कि कितनी जूसी रसमलाई हमारी बनकर तैयार हुई है। और बिल्कुल मार्केट वाली स्पंजी रसमलाई ये बनी है। साथ ही इसको केवल 1 लीटर दूध में मैंने बनाया है, और आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 सर्विंग ये हमारी बनकर तैयार हुई है। और बनाना इसको बहुत आसान है, केवल 2 चीज़ों से इसको हम घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं स्वीट सी रेसिपी को बनाना। जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन, जिसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी, जिससे कि बर्तन की तली में दूध ना लगे। यहाँ पर हम लेंगे 1/2 लीटर दूध। दूध आप गाय का ले सकते हैं या पैकेट का भी ले सकते हैं। मैंने पैकेट के दूध के ही ये रसमलाई बनाई है, और इसको हमें चलाते रहना है जब तक कि उबाल ना आए। उबाल आते ही हमें गैस बंद कर देनी है। और अब हम लेंगे एक बर्तन में पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर लिया है 50 से 60 ml, और इसमें हम डालेंगे विनेगर, जो कि ये विनेगर आता है ना मार्केट में, नॉन फ्रूट विनेगर, ये हमें लेना है। और ये हम 1 चम्मच लेंगे और इस पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप विनेगर की जगह 1 चम्मच नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इस पानी को थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में दूध में डालते जाएंगे, और दूध को धीरे धीरे से चलाते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दूध को तेज नहीं चलाना है, क्योंकि उससे हमारा जो पनीर है वो अच्छे से नहीं निकलेगा, दूध का अच्छे से छेना नहीं बनेगा। तो बस धीरे धीरे से हमें बहुत आराम से इसको इस तरीके से चलाना है। और इस प्रोसेस से जो आपका पनीर बनेगा ना, वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। अगर आप नॉर्मली भी पनीर बनाते हैं ना घर में सब्जी वगैरह बनाने के लिए, तो इसी प्रोसेस से निकाले, बहुत अच्छा पनीर बनकर तैयार होता है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसमें छेना बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ना ही स्पीड तेज की है, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ सके। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ना छेना इसमें बनना शुरू हो गया है। और अगर 1 चम्मच विनेगर से आपके दूध में छेना नहीं बनता है, तो आप फिर से 50 ml पानी लेकर और 1 चम्मच विनेगर उसमें डालकर, और फिर से थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में इसी तरीके से डालिए, आपका जो छेना है वो बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा छेना बन चुका है। और छेना बनने की पहचान ये है कि अगर हमारा छेना नीचे बैठने लगा है और ऊपर इस तरीके से पानी आ जाता है, इसका मतलब हमारा जो छेना है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। पहली पहचान है ये, दूसरी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कॉटन का बारीक कपड़ा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साफ दुपट्टा लिया है, जिसको मैंने छलनी के ऊपर इस तरीके से डाल लिया है। और अब हम ये इसमें डाल देंगे जो हमारा दूध है। इसको डालने के बाद साथ ही हम इसमें तुरंत ही 1 ग्लास ठंडा पानी, जो नॉर्मल होता है ना, वही पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इस तरीके से डालकर पनीर को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे इसका टेम्परेचर भी कम हो जाए, साथ ही इसमें जो विनेगर का खट्टापन है वो भी अच्छे से निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमें अच्छे से निचोड़ना है, यानी इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छे से निचोड़कर इसका जो पानी है हम निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको टांग भी सकते हैं लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए। और ये देखिए, दूसरी पहचान ये है कि अगर हमारा पनीर कपड़े के ऊपर नहीं चिपका है, तो इसका मतलब हमारा जो पनीर है वो बहुत अच्छे से निकला है। तो हमारा पनीर अच्छे से बन चुका है। अब हम तुरंत ही क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे, ताकि इसमें जो दाने हैं ना, ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हमें इसको हाथ की हथेली से मलना है। बस ध्यान रखना है कि इसको हमें ज़्यादा देर भी नहीं मलना है, और दूसरा, इसको हमें हार्डली नहीं मलना, बड़ा सॉफ्टली हमें इसको मलना है, यानी धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें इसको मलना है। तो इसको लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए ही हल्के हाथ से मला था, और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ हो गया है, बिल्कुल मलाई जैसा टेक्सचर इसका बनकर तैयार हुआ है। तो जी, पनीर तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप लेंगे चीनी, या वेट में बात करूँ तो 250 ग्राम चीनी है, और इसका 2 गुना यानी 2 कप मैंने डाल दिया है पानी। और जब तक इसमें उबाल आता है, तब तक हम अपने पनीर की गोलियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ गोलियाँ मेरी बेटी ने बना दी हैं, बाकी की मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी गोलियाँ हमने बनाई है, क्योंकि हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने छोटी छोटी सी सेम साइज़ की गोलियाँ बनाई है, और इनको इस तरीके से हमें दोनों हथेलियों के बीच रखकर गोल शेप बना देनी है। बस ध्यान रखना है कि इनकी सरफेस के ऊपर कहीं भी लाइनें नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की लाइनें हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़े क्रैक्स होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये चाशनी में डलने के बाद टूट जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने सारी गोलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपनी चाशनी को। तो हमारी चाशनी भी अच्छे से उबल चुकी है। यहाँ पर हमें मीडियम आँच रखनी है, और
सबसे पहले एक गोली डालकर हम देखते हैं एक मिनट के लिए वो टूटती या फटती तो नहीं है। तो हमारी गोली ना तो टूटी है ना फटी है। इस तरीके से जो सारी गोलियां थी वो हमने इसमें डाल दी है और मीडियम आंच पर हम इसको उबलने देंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाती है तो हम एक बार चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रसमलाई के रसगुल्ले हैं छोटे छोटे से वो कितने बड़े हो चुके हैं फूलकर। हम इसको फिर से ढकेंगे और पकने देंगे और 2 मिनट के लिए, यानी टोटल 5 मिनट जब हो जाती है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे उबलता हुआ पानी। यहाँ पर पानी का टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खोलता हुआ पानी हमें यहाँ पर डालना है, लगभग 2 से 3 चम्मच। वो इसलिए डालेंगे क्योंकि मीडियम आँच पर हम ये रसगुल्ले बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाल देंगे और इसको फिर से ढक देंगे और पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर, यानी टोटल 7 से 8 मिनट लगेगी इसको पकने के लिए। तो जी 2 से 3 मिनट और हो चुकी है, उसके बाद मैं आपको ये देखिए एक रसगुल्ला लेकर दिखाती हूँ, तो कितने अच्छे से ये फूल चुके हैं। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इनको चाशनी में ही डूबे रहने देंगे, और जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आते हैं तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसकी रबड़ी, जिसके लिए हम एक भारी तली के बर्तन में डालेंगे 2 चम्मच पानी, सेम वही प्रोसेस, और उसमें 1/2 लीटर डाल देंगे दूध, और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच पर हम इसको उबलने देंगे जब तक कि ये 70% ना रह जाए। साथ ही हम डाल देंगे इसमें 50 से 60 ग्राम तक चीनी, वो आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम डालिए और ज़्यादा मीठा खाते हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कतरन डाल दी है पिस्ते की और बादाम की, और साथ ही थोड़ा सा डाल दिया है मैंने यहाँ पर फूड कलर येल्लो कलर का। यहाँ पर आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं या फूड कलर भी डाल सकते हैं, या फिर चुटकी भर हल्दी भी आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसका जो कलर है वो रसमलाई वाला ही थोड़ा येलो कलर हो जाए। तो आप देख सकते हैं 70% दूध हमारा रह चुका है उबलकर। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। इधर हमारे जो रसगुल्ले थे छोटे छोटे वो ठंडे हो चुके हैं, तो उसको भी हमने छलनी में डालकर उनकी जो चाशनी है वो निकाल दी है। और ये देखिए अब हमारा जो रसमलाई का रस हमने तैयार किया था वो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम ये सारे रसगुल्ले इसमें डाल देंगे और इनको एक बर्तन में निकालकर फ्रिज में रख देंगे लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए, क्योंकि रसमलाई जो होती है वो फ्रिज में रखने के बाद ही खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं लगा देती हूँ इसको फ्रिज में और 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो जी 1 घंटा हो चुका है और मैंने फ्रिज से रसमलाई निकाल लिया, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे से रसगुल्ले थे उन्होंने जूस को किस तरीके से पी लिया है, अब्सॉर्ब कर लिया है, और रसमलाई हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। नहीं लगता ना कि हमने ये घर पे प्रिपेयर की है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो जी मार्केट से हम इतनी महंगी रसमलाई लेकर आते हैं और घर पर कितने इजी वे में हम इसको बना सकते हैं, तो बनाइए आप भी इन फेस्टिवल्स में, अपनी फैमिली को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी का। तो कौन कौन ट्राई करने वाला है इस रेसिपी को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।